बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद मेहताब। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अब्बासी पे नमूना। तो वीडियो देखने से पहले जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का मज़ेदार और न्यू व्लॉग। संडे का दिन है, छुट्टी भी है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल भी आज स्किप नहीं करना। हमारे साथ ना एक लगा हुआ है आज मेला, तो मैं जाऊँगा आज मेले पर और हंजरवाल आप लोगों को चीज़ें भी दिखाऊंगा, क्या क्या उधर है क्या क्या नहीं। बस आप लोगों ने वीडियो के साथ ही रहना है क्योंकि बहुत ही मज़ा आएगा। बिल्कुल भी आप लोगों ने यार स्किप नहीं करना। बस एक काम आप लोगों ने लाजमी करना है, वो काम तो आपको पता ही यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, आप लोगों ने लाइक भी करना है यार, और जल्दी जल्दी से अपने लाजमी मुझे सपोर्ट करना है। ये जो मेला है हजरत दादा पीर हंजरवाल का मेला है, जहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा आए हुए हैं। कभी देखिए आप लोग आपको रश भी याद है, कभी अंदर जाके देखिए कैसा माहौल है, कैसा नहीं है, बहुत ही मज़ा आने वाला। आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इन लोगों का देखें रश बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग लंगर लेने के लिए, और ये देखें भाई लंगर भी खा रहे हैं, और ये लोग कुछ बैठे हुए भी हैं इधर। इस तरह देखिए रश बहुत ही है। इधर से खाने पीने की चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, तो अभी ऐसे हम अंदर की तरफ जाते हैं। और ये देखें ये जलेबियाँ बनाई हुई हैं, वो पूड़ियाँ बनाई हुई हैं, और ये मिठाई तैयार की हुई है। इस तरह ये देखें ये मिल, और ये भी तैयार किया हुआ माशाल्लाह, देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है। इस तरह ये देखें, और ये आयल पड़ा हुआ है, और ये भाई पूड़ियाँ बनाई हुई है, आटा गूंद रहे हैं हलवा पूड़ी के लिए अंकल जी, और साथ में ये देखिए मिठाई भी है, और ये लोग ले रहे हैं, और ये देखिए अंकल ये जलेबी को तैयार कर रहे हैं इधर, मतलब ये बना रहे हैं, और ये देखिए कुछ कमी हुई भी है, साथ में वो भाई आटा गूंद रहे हैं, क्या हाल है? ठीक है, और इस तरह ये देखें क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। और ये देखिए ये अंकल ने ये बनाया हुआ ये जलेबियाँ बाहर निकाल रहे हैं इस तरह, और इस तरह ये देखें ये मसाले पड़े हुए, ये वो अंडे पड़े हुए हैं अंकल, ये देखिए पेड़ा तैयार कर रहे हैं, पता नहीं ये क्या चीज़ बनाने लगे। ये क्या बना रहे हैं आप? देखो खाने पीने की चीज़ें भी हैं, जलेबियाँ भी तैयार है, और कचौड़ी भी तैयार है, लोगों का और इस तरफ ये देखिए ये पकौड़े तैयार किए हुए हैं, और वो फिश पड़ी हुई है, और वो देखिए लाइटिंग वाली जो मशीन है वो तैयार हो रही है, और ये मसाला तैयार किया हुआ है। लोगों का रश देखिए कितना ज़्यादा है, अंदर जाने में भी रश ज़्यादा है, लोग आप भी जाते हैं, बड़ी मुश्किल है। और इस तरफ ये देखिए ये देखिए जो सरकार है अंदर अलामा मौलाना सिराजुद्दीन की दरबार है, और ये देखिए आप, और इस लोगों के रश देखें हद ही ज़्यादा है, तो गुजरने में थोड़ा मुश्किल तो पेश आ रही है, तो आराम से गुजर ही जाता है। बच्चों के खिलौने वगैरह पड़े हुए सारे, ये सारे बच्चों के खिलौने हैं, ये भी हुआ है, और इस तरह देखिए ये पकौड़े बना रहे हैं, साथ में ये फिश भी पड़ी हुई है, और साथ में ये भी पड़ा हुआ है, और वो भी फिश है, और उन्होंने वो तैयार करके रखी हुई है, और लेमन पड़ा हुआ है, तो माल का बनाया हुआ है। और ये देखें ये गद्दा घोड़ा लेके फिर रहे हैं इस तरफ, और ये चैन वगैरह सारी पड़ी हुई हैं, ये भी सेट पड़े हुए हैं, और ये देखें ये सारे खिलौने लगे हैं ऊपर, और वो गुड़िया वगैरह सारे चैन में भी ये कुल्फा लगाया हुआ है, कादरी कलंदरी फलूदा, और ये देखें सवैयाँ तैयार करके अच्छी रखी हुई हैं, और साथ में ये कुल्फा है ये देखें तैयार किया हुआ है। सलाम है अंकल जी, क्या हाल है? ठीक है आप? तबीयत ठीक है? ठीक ठाक हो? काम ठीक चल रहा है? और सब ठीक ठाक है ना? वो देखिए अंकल वो बच्चे को सवैयाँ और वो कुल्फा दे रहे हैं, और ये देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से सजाया हुआ है, और उन्होंने प्याले वगैरह भी साथ में अच्छा और खालिश बनाया हुआ है अंकल ने।
आपको पता है मैं इस राशि में सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बस आपको मेरे साथ भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और ये देखो छोटी मुश्किल से भी हर साल ही मेला लगता है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये भी तैयार किए हुए माशाल्लाह प्यारे प्यारे, और ये भी तैयार किया हुआ साथ में, ये भी तैयार किया हुआ, ये पिक्चरें लगाई हुई हैं 200-300 और ये 26-24 इस तरफ ये देखें, और साथ में ये सारे एक्टर की भी लगी हुई हैं 999 और इस तरफ ये देखें सारे अर्तुगरुल गाजी की इस तरफ, या पिक्चर साथ में बनवा सकते हैं जो इस भाई ने लगाया हुआ है, और ये देखें ये बच्चों की पिक्चरें बहुत ही प्यारी प्यारी, और साथ में इस तरफ ये देखें ये आप बनवा सकते हैं, ये चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये कड़े पड़े हुए हैं, और ये वाच पड़ी हुई है, और इस तरफ ये देखें ये बच्चों की चूड़ियाँ हैं ये भी, और ये भी ये कड़े पड़े हुए हैं, ये भी पड़े हुए हैं, और साथ में ये देखिए ये भी सारे पड़े हुए हैं, ये सारे ज्वेलरी के हैं, साथ में ये भी पड़ा हुआ है, ये भी है, और ये धागे भी हैं आपको, ब्लैक है, रेड वगैरह ये भी हैं, और साथ में ये भी चूड़ियाँ देखें कितनी प्यारी प्यारी पड़ी हुई हैं, ये लाइटिंग वाली पड़ी हुई है, ये भी पड़ा हुआ है, और साथ में ये बच्चों के छोटे खेलने के पिस्टल पड़े हुए हैं, ये गोलियाँ पड़ी हुई हैं, और साथ में इन्होंने ये साथ में ये भी ज्वेलरी है, और ये वॉच है, और ऊपर देखें ये भी खिलौने का सेट है, ऊपर ये भी है, इस तरफ ये देखें कितने प्यारे ड्रेस सजाए हुए हैं, इसी लाइन पर पूरा स्टॉल लगा हुआ है, ये देखें साथ में ये गाड़ियाँ भी हैं, रेड वाली है, ये दूसरी है, ये बाइक है, ये भी दूसरी गाड़ी, इस तरफ ये बच्चों के लाने हैं, ये सारी 200 रुपये से लगे गुड़िया, डब्बे वाली गुड़िया 200 रुपये, 200 रुपये, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, इधर ये सारे खिलौने पड़े हुए हैं, और ये देखें ये भी खिलौने हैं, और ये देखें बच्चे झूला ले रहे हैं, इस तरफ वो भाई भी दे रहे हैं, और साथ में ये कश्ती वाला झूला है, उस तरह भी बच्चे खेल रहे हैं उस तरह भी, और नीचे इन्होंने गाय रखी हुई है, वाह, और वो देखिए वो भी कश्ती वाला है, और ये बच्चों की ट्रेन है छोटी सी जो खेलने के लिए, छोटा बच्चा भी बैठा हुआ है, हाँ ये देखें काफ़ी, ये झूला देखें जी, ये जानवरों की तरह एक बनाया हुआ इधर बैठने के लिए, इस तरफ ये देखें ये भी सारा इस तरफ ये झूला, पर ना बच्चे बुजुर्ग जो नौजवान सब अच्छी तरह से इंजॉय कर रहे हैं मेले को, और घूमने हुए बहुत ही खुशी से कह रहे हैं, ये अच्छी बात है कि वो खुशी से अच्छे तरीके से पैक करके ना पापड़ टैप रखे हुए पैक किए हुए, इस तरफ ये देखें सारे धागे लगे हुए हैं, आपको हर किस्म के इसमें मिलेंगे, ये भी धागा है, ये ब्लैक है, ये रेड है, ये भी येलो है, इसमें हर कलर के हैं, और साथ में ये भी हैं, ये दूसरे आपको हर किस्म के, ये सारे कड़े वगैरह पड़े हुए हैं इस तरह से, और साथ में ये जंजीरी भी है, और ये भी है जात मानने के लिए, इस तरह से देखिए हजरत दादा हंजर पीर है जिसका हॉर्स है, और वो देखें मंथ के बरदान उसमें मुबारक है जी, 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लंगर का वसी इंतज़ाम है यहाँ पर, और ये देखें हजरत दादा हंजर, ये देखें ये लंगर तैयार कर रहे हैं भाई माशाल्लाह, और मिसाले को ये मिक्स कर रहे हैं, धनिया भी काटा हुआ है, ये पूरे जो लोग हैं ना वो लंगर के लिए तैयार कर रहे हैं, और इन्होंने अच्छा सा, और ये देखें साथ में ये है माशाल्लाह पीर का, लोग भी आए हुए हैं, और साथ में अंदर सीटिंग का भी इंतज़ाम है बैठने का कि आपको लंगर भी मिलेगा, और साथ में कुर्सियाँ देखें बहुत ही अच्छा और प्यारा इंतज़ाम किया हुआ है इधर बैठने के लिए कि लोग आराम से बैठ के वो लंगर भी खा सकें, और उस तरफ ये देखें सारे दूध बांट रहे हैं, तो हम भी ट्राई करते हैं तो लेते हैं उनसे, और ये भाई दूध के लिए तैयार कर रहे हैं, इस तरफ ये देखें लोगों का रश लगा हुआ है, अपने लास्ट में शुक्र है थोड़ा दूध मिल के, तो मैंने कहा हम भी ट्राई करके देखे, तो कल की टाइम जिस मुझे गिलास दिया तो वगैरह पड़ी हुई है, ये रेड में है, ये भी है, ये भी है भाई, और साथ में ये सेंट वगैरह पड़ा हुआ है, एप्पल पड़ा हुआ है, ये बनाना पड़ा हुआ है, ये भी बनाना, ये दही भले हैं, और ये अंकल ने फ्रूट चार तैयार किया हुआ है, वो भी दही पड़े की पड़े हुए, साथ सलाद तैयार किया हुआ है, और ये देखें अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, ठीक ठाक है, काम शाम ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और ये माशाल्लाह देखो अच्छे से साफ सुथरा बनाया हुआ है, और नीट एंड क्लीन, इस तरफ ये भी देखें और बहुत ही अच्छा होता है, और ये देखिए एप्पल फ्रेश फ्रेश रखा हुआ है, और बनाना भी रखा हुआ है कि किसी को कोई ऐसा मसला, इस्लामी नाम है, और ये तोता रखा हुआ है जो इस्लामी नाम बनाता है, ये भी इस्लामी नाम है, दम मेरा लाल,
ये देखिए अंकल बैठे हुए हैं साथ में, ये लाइटिंग लगी है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? ये जो तोता है ये नाम सही बताता है, मतलब किस तरह बताता है ये? अच्छा, वो 50 रुपये देंगे वो तोता, वो निकालेगा तो लिफाफा ले आएगा, फिर पता चलेगा। अच्छा, वो उसमें ये है कि ये भी बता सकते हैं कि मेरा आने वाला मुस्तकबिल क्या है, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। और ये देखें जी, ये तोता पड़ा हुआ है, आपने 50 रुपये देने हैं और अंकल आपको पर्ची देंगे, वो आपको पता चलेगा जी आपकी किस्मत क्या है, वो अंकल उसमें बता देंगे। ये है जी दम मेरा लाल बाबा शेर, बाबा शेर कलंदर इस्लामी। ये देखें जफीक मसद और वहमी गैदम, सही बात है। तो ये कब से काम कर रहे हैं आप? तो उधर उस वक्त भी काम कर रहे हैं। ये देखिए अंकल, जब इधर से कराची तक 250 रुपये किराया था, वो उस वक्त से काम कर रहे हैं। चले ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह। ओके, अब झूलों की तरफ आ गया हूँ। ये बड़े झूले हैं और ये देखें, ये कश्ती वाला झूला है और दूसरे ये भी झूले हैं, अभी ये बंद हुआ पड़ा है, ये चल नहीं रहा, तो अभी आगे चलते हैं। तो वो देखें, और ये बच्चे खेल रहे हैं और साथ में वो कश्ती वाला झूला है, वो भाई कश्ती ले रहे हैं। सब ये देखें, वो अंकल से पूछा आगे किस्मत की, उसने कहा जी 50 रुपये दें और तोता आपकी पर्ची निकालेगा, तो फिर पता चलेगा कि आपका क्या नहीं। पीछे कश्ती वाला झूला दिखाया, ये जो कश्ती वाला झूला है ना, ये उससे भी बड़ा है। और ये देखिए, इसमें लाइटिंग भी रखी हुई है और साथ में वो बच्चे भी हैं। और ये इस तरफ से देखेंगे तो सारे झूले ही झूले आपको नजर आएंगे। ये पिस्टल लगा हुआ है और साथ में ये इशारा लगाने के लिए ये गुब्बारे भी पड़े हुए हैं। इस तरफ ये देखेंगे और इस तरफ ये देखेंगे झूला ले रहे बजा रहे हैं। और इस अभी भी ये ट्राली पे लोग आ रहे हैं, साथ में ये ढोल बजा रहे हैं और इस तरह देखें ये लोग आ रहे हैं अभी और राशन। और ये देखें लोग ट्राली भर के आ रहे हैं। कई ब्लॉक और इशारे पे काफी हैं और ये अभी देखें सिग्नल अभी तक खुला नहीं है। मार्केट से फिर अभी मार्केट से जाएंगे घर, फिर आपके जाएंगे चश्मा लगाया हुआ है, आप कहने से